अस्सलाम वालेकुम, शहनाज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे रिश्तेदार की शादी में। तो शादी में जो जा रही हूँ तो वो बारात गांव से आई है और आज उसका निकाह है। दो दिन के बाद वलीमा है, वो वलीमा तो गांव में है लेकिन आज शादी है तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। और गांव से भी मेरे देवर के दो बच्चे आए हैं। तो अभी हम लोग को ज़रा कुछ ख़रीदारी करनी है तो हम लोग अभी जा रहे हैं 5 नंबर कुछ ख़रीदारी करने के लिए। फिर आने के बाद में हम लोग रेडी होंगे शादी में जाने के लिए। तो फिर आपको बताएंगे कि हम लोगों ने क्या पहने और कैसे गए। तो ये देखिए अंजुम ऐसी लेंगी और तो ये मेरी भतीजी है और ये उसकी बेटी है। तो ये गांव से आई है शादी में जाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को कुछ ख़रीदारी करना है तो ख़रीदारी करके आते हैं। तो चलिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं 5 नंबर। असल में मेरे जो रिश्तेदार, मेरे जो देवर की बेटी आई है गांव से, उसको कुछ 5 नंबर में ख़रीदारी करनी है। उसके भाई के लिए कपड़ा लेना है, उसके लिए भी कुछ कपड़ा लेना है। इस वजह से अभी हम लोग निकले हैं। पहले हम लोग 5 नंबर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर हम लोग आएंगे और तैयार होंगे, फिर हम लोग शादी में जाएंगे। तो अभी हम लोग वही रिक्शा पकड़ के निकल चुके हैं 5 नंबर के लिए। ये देखिए जो मेरे बाजू में बैठी थी वही मेरी देवर की लड़की है और वो जो छोटी बच्ची उसकी बेटी है वो। अभी हम लोग आए हैं उसके भाई के लिए कपड़ा लेने के लिए। तो उसको जो पसंद आएगा तो वो ले लेगा। वो वीडियो में ज़्यादा आना नहीं चाहता है, शर्माता है, इसलिए उसको मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ वीडियो में। तो ये देखिए अभी कपड़ा देख रहे हैं हम लोग। अब उसको जो पसंद आएगा वो ले लेगा। मेरे देवर के एक्चुअली 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, फिर उससे छोटी लड़की, फिर उससे छोटा लड़का है। तो मेरे देवर देवरानी तो नहीं आए हैं, दोनों बच्चे आए हैं यहाँ शादी में। शादी के लिए तो उसने कपड़ा लेकर आया है, उसको वलीमे में पहनना है। तो कह रहा था कि यहाँ बम्बई से लेना है कपड़े, तो इस वजह से यहाँ पर पसंद करके कपड़े ले रहा है। तो अभी उसको जो पसंद आ गया है वो टी शर्ट है और वो पैंट है ब्लैक कलर की, इसको पसंद आ चुका है तो उसने वो फाइनल कर दिया। तो अभी हम लोग आ गए हैं चप्पल की दुकान में, तो उसको चप्पल भी लेनी थी। असल में चप्पल उसकी जो पहले की चप्पल थी उसने नवी चप्पल लेकर आई थी लेकिन उसको वो चप्पल बहुत प्रॉब्लम कर रही थी इसलिए उसने दूसरी चप्पल ली। ये कौन सी कंपनी है? ये नॉर्मल कंपनी है, ये कितनी की है? 250 की है। महंगी बोले बाबा, जिसका भाव अभी जो दिन पहने वो फ्लाइट का पैरागोन का नहीं चलेगा। क्या फ्लाइट का? ये पैरागोन है। हाँ वो कितने का लिए? 200 पीस का होएगा। हाँ अभी 300 रुपये चल रहा है उसका। कितना चल रहा है? 300 पर पीस का भाव बढ़ गया 700 रुपये। तो वहाँ से हम लोगों ने चप्पल नहीं ली क्योंकि वहाँ पर मेरी भतीजी को पसंद नहीं आ रही थी। तो ये दुकान जो है थोड़ी 5 नंबर में अंदर गली से जा करके अंदर दुकान है। यहाँ ये दुकान में भी चप्पलें बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं देखने के लिए क्योंकि मैंने मेरे लिए भी इसके पहले बहुत बार यहीं से चप्पल ली थी। तो जो चप्पल है अच्छी टिकाव रहती है, इस वजह से मैंने बोला कि चलो यहाँ जाते हैं चप्पल लेने के लिए। तो वैसे बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें हैं जो टिकाव है, बहुत ज़्यादा दिन चलती है। क्योंकि गांव के रास्ते थोड़े से वैसे रहते हैं ना रफ़, तो इस वजह से उसको जैसे अच्छी टिकने वाली चप्पल चाहिए था। तो मैंने बोली पैरागोन की चप्पल ले लो, पैरागोन की ज़्यादा अच्छी रहती है। अभी यहाँ पर जो उसकी बच्ची है छोटी सी, उसके लिए मुझे कपड़ा लेना था मेरी तरफ से, तो मैं वही कपड़ा पसंद कर रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, जो भी है तो कोई बहुत चुभने वाला है, इस वजह से मैं पसंद कर रही हूँ, क्या करना है। वो ये भी फ्रॉक जो है उसमें बहुत नेट लगी हुई थी अंदर, चुभने जैसी नेट थी, इस वजह से वो नहीं लिया हम लोगों ने। देख रहे हैं हम लोग, उसकी मम्मी को भी पसंद नहीं आ रही थी वो। मेरी भतीजी का नाम मैंने बताना भूल गई आप लोगों को, उसका नाम शायदा है।
और भतीजे का नाम शाहिद है। और भतीजे का नाम शाहिद है। तो ये देखिए, और वो जो मेरी भतीजी है शायदा, उसकी जो छोटी बच्ची है उसका नाम सोफिया है, 1 साल की है वो बच्ची। असल में वो गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सामान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ हो ही नहीं रहा था, बहुत लेट हो रहा था और बच्ची रुक नहीं रही थी। बच्ची एक्चुअली हम लोग के किसी के हाथ में भी नहीं आ रही थी, वो सिर्फ अपनी माँ के पास से रुकना चाह रही थी, इस वजह से वो बहुत रो रही थी गर्मी की वजह से। फिर भी जल्दी जल्दी हम लोग ने लेने की कोशिश की है। हम लोग को एक्चुअली कहीं पर भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था जल्दी से जल्दी, कभी किस में कुछ फॉल्ट था, कभी किस में कुछ फॉल्ट था, इस वजह से हम लोग ले नहीं पा रहे थे कपड़े। तो वैसे भी 2-3 दुकान घूमने के बाद में हम लोग ने फाइनली कपड़ा हम लोग को पसंद आया, तो फिर हम लोग ने इधर भी हम लोग को कपड़ा पसंद आया। तो यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है कपड़ा, कोई कपड़ा कैसा है, कोई कपड़ा कैसा है। तो इस वजह से एक्चुअली मेरी आदत कैसी है ना, मुझे जब तक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तब तक मैं उसको नहीं लेती, भले मुझे कितनी भी दुकान में घूमना पड़े, मैं घूमती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जब तक मेरे दिल को नहीं अच्छा लगता है कोई चीज़ तब तक मैं नहीं लेती हूँ। मेरी आदत ऐसी नहीं है कि एक ही दुकान में चले जाओ और वहीं पर से ले लो, नहीं, मैं सब जगह देखती हूँ कि मुझे सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, मेरा उसमें वो जो कपड़े का जो रेट होता है वो भी सही तरीके से होना चाहिए, कपड़ा भी अच्छा होना चाहिए, तो मुझे सब कुछ सही लगता है तभी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ, और उसी तरीके से ख़रीदना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस गए और जिसने जितना बोला जैसा बोला ले लिए, नहीं, देखो भालो, बार्गेनिंग करो अच्छे तरीके से और फिर कपड़ा ख़रीदो, तो वही तरीका अच्छा होता है। तो अभी ये जो मेरी भतीजी है इसको एक सूट भी ख़रीदना है, और उसके लिए थोड़ा सा सादे में का नॉर्मल सा, तो वो ये अभी वो ख़रीद रही है। अब बच्ची अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी पहले गए थे 5 नंबर, वहाँ से ख़रीदारी वगैरह करके आए, वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए आने के बाद हम लोगों ने शूट नहीं किए कि हमने क्या क्या लिए, बहुत लेट भी हो रहा था तैयार होने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं तैयार होकर के और शादी में जा रहे हैं, शादी में जाकर आने के बाद में वहाँ पर क्या है कैसा है सब बताते हैं, फिर आने के बाद में चलिए मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं शादी में जाने के लिए और हम लोगों ने रिक्शा पकड़ लिए हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि हम लोग दोनों ही क्यों जा रहे हैं, तो वो इसलिए कि वो जो मेरी भतीजी थी उसके ससुराल वाले उसको ज़रा जल्दी बुला रहे थे और हम लोग तैयार नहीं हुए थे, मैंने उसको तैयार कर दी थी, तो मैंने बोली कि तू बाबू पहले चली जा, हम लोग पीछे से आते, वैसे भी हम लोग 4 जने रिक्शे में आ नहीं पाएंगे। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनने ले जाके उन लोग को हॉल में छोड़ दिए। तो देखिए अभी हम लोग हॉल में आ चुके हैं, अब हॉल में आने के बाद भी हम लोग उसका शूटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि शूटिंग वो जो बारात आई थी गाँव से आई थी तो वो लोग जाने की गड़बड़ी में थे, तो इस वजह से हम लोग शूटिंग नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो सब हॉल का है, तो हम लोग थोड़ा दूर दूर से ही शूट कर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा सा आगे जाके शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग एक ही जगह बैठ करके शूट किए और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी खाना खाने, खाना आधा खा चुके हैं। एक्चुअली हम लोग भूल गए थे वीडियो लेना, हम लोग को बाद में याद आया। तो ये देखिए अभी मैं बैठी हूँ तो मेरी बेटी मेरे पूरा सूट का ले रही है, तो देखिए मैंने सूट कैसा पहना ज़रा बताना प्लीज़, कमेंट कीजिए और बताइए कि हम लोग का ब्लॉग कैसा लगता है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले मेरा ब्लॉग बहुत सारे लोग देखते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया है, देखिए प्लीज़। अभी हम लोग का खाना खा के हो गया है और अभी हम लोग बैठे हैं आराम से, और जो मेरी भतीजी है वो लोग गए हैं अपना सामान पैकिंग करने के लिए, क्योंकि वो लोग जहाँ पर रात में जब बारात आई थी तो
दुल्हन दूल्हे के जो भाई है लगते उनके घर पे आई थी ना बारात, तो वो लोग क्या आधा सामान उधर ही रखा हुआ था, तो आधा सामान मेरे घर में रखा हुआ था, तो उन लोग जा कर के अपने सामान लाने के लिए चले गए थे गड़बड़ में। ये बहुत गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि हम लोग को 5 नंबर जाना पड़ा ना, तो उसमें हम लोग को बहुत गड़बड़ हो गई, तो इसके वजह से हम लोग वो लड़की का भी सूट नहीं कर पाए, और उसके ससुराल वाले बुला रहे थे कि ज़रा जल्दी आओ बोल के, तो इस वजह से वो वहाँ चली गई, यहाँ आए तो यहाँ पर से फिर वो वहाँ चली गई, हम लोग को भी बहुत लेट हो गया निकलने में, तो ये सब गड़बड़ी की वजह से ये सब हो गया। और अभी तो फिलहाल दुल्हन सबसे मिल रही है, दुल्हन की विदाई हो रही है, हम लोग क्या थोड़ा सा दूर बैठ कर ही शूट कर रहे, हम लोग अच्छा नहीं लग रहा था ज़्यादा आगे जाने के लिए, तो इस वजह से हम लोग दूर से ही शूट कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम लोग को मौका मिल रहा था हम लोग शूट कर रहे थे दुल्हन का। अभी दुल्हन की विदाई हो रही है, वो लोग सबसे दुल्हन सबसे मिल रही है जाने के लिए, क्योंकि दुल्हन अभी बारात जाएगी गाँव, तो इस वजह से सारों से मिल करके इंशाल्लाह वो चली जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान में कैसे शादी, तो ये रमज़ान में शादी नहीं हुई है, ये शादी पहले हुई है, हम लोगों से थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग डालने में, थोड़ा एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम हो गया था, तो इस वजह से। तो ये देखिए अभी दुल्हन निकल रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है दुल्हन और दूल्हा भी, ये देखो मेरे मियाँ गिफ्ट उठा के चल रहे हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो अभी वो जा रहे हैं, तो अभी हम लोग आ गए हैं शादी से, बहुत थक चुके हैं हम लोग, आ करके अभी बैठे जस्ट बैठे, और मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ कि शादी कैसी हुई, तो माशाल्लाह शादी भी अच्छी हुई, बहुत अच्छा था सब कुछ, और खाना भी बहुत अच्छा था। तो वो लोग तो अभी निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं गाँव के लिए, और हम लोग हमारे घर पर आ चुके हैं, तो इस तरीके से इतना सब कुछ हुआ। मुझे यही बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों को, जब वो तैयार हुई तो उसने मैंने उसको बहुत अच्छा तैयार की थी, और मुझे शूटिंग करने मिली नहीं, अब क्या करेंगे, छोटी बच्ची भी बहुत सता रही थी और बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए चलिए मेरा व्लॉग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अल्लाह हाफिज़ है ना।